अस्सलामुअलैकुम असातिज़ा हज़रात, सबक के तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे शाहजी राजे भोसले के बारे में। मालोजी राजे की बीवी का नाम ओमाबाई राजे था और इनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी राजे और दूसरे का नाम शरीफ जी। इंदिरापुर की लड़ाई में मालोजी राजे का इंतकाल हो गया और इनकी परवरिश और देखभाल इनके चचा विट्ठो जी राजे ने की। उसके बाद निज़ाम शाही दरबार में मालोजी राजे की तमाम जागीर शाहजी राजे को सौंप दी गई। शाहजी राजे बहुत बहादुर और हिम्मत वाले थे, उनकी हर जगह निज़ाम शाही दरबार में शोहरत हुई और उनको बढ़ाई हासिल हुई। एक मरतबे की बात है, मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया, लेकिन निज़ाम शाही रियासत में आदिल शाह भी उसके ख़िलाफ़ था, इसलिए उसने मुग़ल शाह का साथ देने का इरादा किया। शाहजी के साथ साथ निज़ाम शाही रियासत के वज़ीर मलिक अंबर ने मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह के साथ उनके ख़िलाफ़ डट कर लड़ाई की और उनको शिकस्त दी। इसी वजह से शाहजी की और भी वाहवाह हुई, निज़ाम शाही में शाहजी को और ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, जिसकी वजह से मलिक अंबर ने उनसे हसद करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन दोनों में काफ़ी कशीदगी पैदा हुई, जिसकी वजह से निज़ाम शाही रियासत को छोड़कर शाहजी राजे बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। बीजापुर के आदिल शाह ने शाहजी राजे को लश्कर सर लश्कर के खिताब से नवाजा और उनकी बहुत वाहवाह हुई, उनको बहुत शोहरत मिली। लेकिन इसके बाद बहुत से वाक़यात पेश आए, मलिक अंबर का इंतकाल हो गया, फिर उसके बेटा जिसका नाम फतेह खान था वो वहाँ का वज़ीर बन गया और फिर इस तरीके से मराठा सरदारों ने धीरे धीरे करके मुग़ल हुकूमत और मुग़ल सल्तनतों में वो जा मिले। इस तरह मराठा सरदारों की बहादुरी और उनकी काबिलियत के हमने किस्से सुने। शुक्रिया।